स्वामी अखंडानंद आवाज की दुनिया के दोस्त, श्री रामकृष्ण मठ मिशन के तीसरे अध्यक्ष स्वामी अखंडानंद का राजस्थान में कार्य क्षेत्र वर्ष 1983 से 1855 तक रहा था। इनका जन्म 30 सितंबर 1863 को कलकत्ता के आहिरी टोला मोहल्ले में हुआ था। इनका पूर्व नाम गंगाधर गंगोपाध्याय था। निष्ठावान ब्राह्मण कुमार गंगाधर उपनयन के बाद ब्रह्मचर्य के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। सज्जनों, श्री रामकृष्ण देव से गंगाधर की भेंट 1883 ग्रीष्म के दक्षिणेश्वर में हुई थी। इसके पहले भी जब वे बहुत छोटे थे एक बार दर्शन कर चुके थे। प्रथम भेंट में पश्चात श्री रामकृष्ण देव के आग्रह पर वे प्राय दक्षिणेश्वर आने जाने लगे थे और ध्यान आदि की ओर प्रवृत्त होने लगे थे। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें अपने तरीके से समझा दिया था कि संयम निंदनीय नहीं है परंतु आधार का आधिक्य अनुचित है। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में ले जाकर उनसे कहा था, ये देखो चैतन्यमय शिव है। गंगाधर की अनुभूति हुई मानो चैतन्यमय शिव श्वास ले रहे हैं। उस दिनों ने पहली बार मृणमय में चिन्मय का आभास हुआ था। प्रसन्न होकर श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, जानते हो प्रार्थना कैसे की जाती है? इतना कहकर वे एक छोटे बालक की तरह हाथ पैर पटक पटक कर आंसू बहाते हुए कहने लगे, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं तो तुम्हें छोड़कर ही कर रह ही नहीं सकता। हाँ माँ, धन में आसक्ति का त्याग, स्वधर्म निष्ठा, पवित्र आचरण एवं ध्यान आदि की शिक्षा श्री रामकृष्ण देव ने इन्हें सजीव घटनाओं की ओर केवल इंगित करके दी और इन्हें मनन करने को छोड़ दिया और स्वयं दृष्टाभाव से देखा कि अनुभूति ने सही सही असर किया है या नहीं। श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक शिक्षा देने की ये पद्धति निराली थी। स्वामी अखंडानंद ने श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में घटित जिन घटनाओं की अनुभूति से अपने आप में परिवर्तन पाया था, उन्होंने उन अनुभवों का प्रकाशन अपनी एक पुस्तक में किया है। मित्रों, इनकी जीवनी के तीन मुख्य अंग हैं आवाज की दुनिया के दोस्तों। रामकृष्ण देव के सानिध्य में आध्यात्मिक उन्नति, उनके शरीर छोड़ने के पश्चात परिवारक जीवन तथा स्वामी विवेकानंद के दिशा निर्देश के पश्चात मानव मात्र में इष्ट सेवा। गंगाधर दिन में 3 बार गंगा स्नान करते थे आवाज की दुनिया के दोस्तों। अन्न स्वयं मिट्टी के बर्तन में पकाकर ग्रहण करते थे। सिर में तेल नहीं लगाते थे और प्राणायाम व कुंभ का आदि करते थे। वे हरे बहुत खाते थे। इन्हें कोई वैष्णव ब्राह्मण अपने घर प्रसाद तक नहीं खिला सका था। श्री रामकृष्ण देव ने आचरण में कठोरता घटाते हेतु इनसे एक बार कहा था, तुम बच्चे हो, बूढ़ों वाला आचरण तुम्हारे लिए उचित नहीं है। एक दिन श्री राम कृष्ण देव ने स्वयं काली मंदिर का प्रसाद खाया और कुछ ने दिया और माँ काली कहते समाधिस्त हुए थे। उसी दिन संध्या समय बोले, जाओ गंगा जल में पका हुआ माँ काली का प्रसाद महान हवस्थान है, जाकर खाओ। और स्वयं बरामदे में खड़े इन्हें देखते रहे। गंगाधर धीमे धीमे जा रहे थे, ये सोचते हुए कि वहाँ तो आमिष भोजन बनता है, मुझे विष्णु मंदिर में जाने को भी तो कह सकते हैं। परंतु पलट कर देखा तो पाया कि श्री रामकृष्ण देव उन्हें देख रहे हैं। वे चुपचाप गए, प्रसाद लिया और जब लौटे तो श्री रामकृष्ण देव ने पान देकर उनका स्वागत किया और कहा, लो मुख शुद्धि कर लो, देखो नरेंद्र से मिलना वह सब कुछ खाता है, उसकी बड़ी बड़ी आँखें अंतर्मुखी है। कलकत्ते के मार्ग में जब वह चलता है तो सारे वातावरण को नारायण में देखता है, पान भी बहुत खाता है, तुम उसके पास अवश्य जाना। श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा अनुसार गंगाधर नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के घर पहुँचे और उन्होंने देखा कि नरेंद्र भगवान बुद्ध की जीवनी एक बहुत बड़ी पुस्तक पढ़ने में इतने खोए थे मानो किसी और ही संसार में हो। एक बार एक व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण देव से कहा था,
क्या ये उचित है कि बच्चे आपके पास आकर सन्यासी बनने को प्रोत्साहित होते हैं? इस पर श्री राम कृष्ण देव ने गंगाधर की ओर इशारा करते हुए कहा था, देखो वे लड़का पुरुष तो प्राप्त होने से पूर्व ही ऐसा सोचता है, ये सब संचित संस्कारों के आधार पर सत्व के मात्राधिक्य से ही होता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों।